नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यस कक्षक की आकृति और पी कक्षक की आकृति। उसके बाद मित्रों हम लोग जानेंगे डी कक्षक की आकृति के बारे में। मित्रों दरअसल हम लोग कक्षा 11 का रसायन विज्ञान दूसरा अध्याय परमाणु संरचना के बारे में सीख पा रहे थे। आज हम लोग यस पी डी एफ कक्षकों की आकृतियों के बारे में जानेंगे। अगर आप मित्रों चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर में यस कक्षक की आकृति कैसे होती है, तो मित्रों आप जानते हैं जो यस ऑर्बिटल होता है वह गोलाकार होता है, राइट? कैसा मित्रों? गोलाकार होता है। और गोलाकार में आप जानते हैं यह एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है, राइट? ये जो मित्रों आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से ये बिंदु हैं, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। और ये जो आप देख पा रहे हैं बीच में ये नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर मित्रों ये जो आप देख पा रहे हैं ये नोड है, राइट? ये नोड है। और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं नोड के अतिरिक्त ये जो चारों ओर आप देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नोड जहाँ होते हैं नोड या स्फेरिकल जो नोड होता है या नोड सतह जो होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अच्छा, पी कक्षक की अगर आकृति के बारे में बात करें मित्रों, जो पी ऑर्बिटल होता है वह डंबलकार होता है। तो पी कोश में तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो मित्रों देखिए, जो पी एक्स होता है वह आप देख पा रहे हैं, जैसे ये जो आप देख पा रहे हैं इसकी अगर पी एक्स है तो इस डंबल की आकृति ऐसे पी एक्स से जुड़ेगी। ये जो मित्रों आप देख पा रहे हैं ऐसे केरो यहाँ है वाई में और एक जेड में है, तो ये मित्रों ये खाली होता है, ये वाई और जेड इसमें खाली हो जाएगा। एक्स में जब होगा तो जहाँ खाली होगा तो ये मित्रों नोड तल है। जेड और वाई क्या है? नोड तल है। देखिए ये नोड तल यहाँ पी एक्स यहाँ इस जेड के लिए दिखाया गया है, ये नोड तल वाई के लिए दिखाया गया है। इसी प्रकार मित्रों पी वाई देखिए, पी वाई पी एक्स पी वाई का जो ऑर्बिटल होगा वो वाई एच में ऐसा डमरूकार बनेगा, राइट? अच्छा, नोड तल देखिए, एक ये वाला नोड तल है और एक ये वाला नोड तल है, राइट? तो ये पी एक्स पी वाई पी जेड, पी जेड आप देखिए ये सीधा है, ये जो आप देख पा रहे हैं मित्रों पी जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, और पी जेड मित्रों आप देख पा रहे हैं वो ऐसे होता है पी जेड, राइट? नोड तल देखिए इसमें कितने हैं, एक ये है और एक ये है, तो पी एक्स पी वाई और पी जेड। अब मित्रों यहाँ पर देखिए डी कक्षकों की आकृति के बारे में बात करें तो डी इसकी पांच ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए मित्रों जो एक्स वाई है तो एक्स वाई ऐसे खाने होते हैं, एक्स में होंगे एक वाई में होंगे, ऐसे डी एक्स वाई की आकृति कुछ इस प्रकार होती है, यहाँ प्लस प्लस, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, राइट? इसमें नेगेटिव नेगेटिव। इसी प्रकार आप देखिए इसमें डी वाई जेड, डी वाई जेड ये वाई एक्स मान लिया गया, ये जेड मान लिया गया, इसकी भी आकृति कुछ इस प्रकार होती है। फिर आता है डी जेड एक्स, ये जेड है और ये एक्स है, डी जेड एक्स की मित्रों आकृति कुछ ऐसे होती है। अब यहाँ देखिए डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, मित्रों ये देखिए ये डी एक्स है और ये क्या है वाई है, तो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये क्या है मित्रों, डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में आप देखिए कुछ ऐसे होते हैं आकृति डी जेड स्क्वायर, तो इसमें दो ऑर्बिटल इस प्रकार से होते हैं, राइट? तो इस प्रकार से मित्रों इस वीडियो में हम लोग सीख पाए डी कक्षक की आकृति और पी कक्षक की आकृति और इसके साथ साथ यस कक्षक की आकृति। दरअसल मित्रों इसमें आप देख पा रहे हैं यस पी और डी है लेकिन यफ नहीं है। मित्रों यफ ऑर्बिटल का कोई आकार अभी तक नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। अब जय हिंद, जय भारत।